और 50 स्टीमर अब तक तो यहाँ पर लगाई है। अभी हम लोग स्टीमर की संख्या बढ़ा रहे हैं। NDRF, SDRF, PAC की फ्लड यूनिट, इन सभी को बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हर पीड़ित परिवार तक शासन की राहत सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिलना चाहिए। खाद्यान्न की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। बैग आपके सामने हैं, आप देख रहे होंगे। ये खाद्यान्न पहले इस रूप में नहीं मिल पाता था और इस बार ये व्यवस्था बनाई गई है। हर पीड़ित व्यक्ति को एक बार में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, लाई, दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध कराएं। पानी पीने की व्यवस्था भी उनके लिए हो, जहाँ पे पानी घर घर में संभव न हो पाए तो क्लोरीन की टैबलेट दे करके लोगों को जागरूक किया जाए। बरसाती पानी न पिए, पानी गर्म करके पिए। गर्म करके पीने के साथ छानने के बाद पानी पिएंगे तो डायरिया, हैजा आदि नहीं होगा। पहले से ही व्यवस्था की गई है कि अगर बाढ़ की चपेट के कारण किसी की दुखद मौत होती है तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा दें। किसी का मकान बाढ़ की चपेट में आता है, पक्का मकान है, आपदा के कारण गिर गया है, उसको तत्काल धनराशि 95,000 रुपये की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। जहां पर किसी भी पीड़ित परिवार का आवास नदी में विलीन हो गया है, वहां पर उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास और जमीन नहीं तो जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दें। पशुधन की हानि पर भी, भैंस है, गाय है, बकरी है, इन सब की हानि पर भी आपदा राहत मद से तत्काल उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। बरसात के पानी के कारण या जल जमाव के कारण या बाढ़ के कारण सांप, बिच्छू, अन्य जहरीले जीवों से, आवारा कुत्तों से, जंगली जीवों से भी खतरा रहता है, उनके काटने का भय रहता है। इसके लिए पहले से ही एंटी स्नेक वेनम और साथ ही साथ एंटी रेबीज वैक्सीन भी हर एक जगह भेजी गई है, जिससे हर एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके। कोई भी इस प्रकार की स्थिति किसी के सामने न पैदा हो, पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं और भी संसाधन इसके लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन आपदा है, धैर्य पूर्वक इसका सामना करना पड़ेगा और आगे से बचाव के रास्ते भी इसके लिए ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक अस्थाई समाधान नहीं होगा बाढ़ की समस्या आएगी। और इस बार तो 15 दिन तक लगातार बारिश हुई है। मैं देख रहा हूं कि लगभग राप्ती नदी में, सरयू में जल का स्तर पिछले 50 वर्षों में इतना ज्यादा, गोरखपुर में देख रहा था राप्ती नदी खतरे के लेवल से 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही थी। बड़े क्षेत्र में वहां पर जल प्लावन की स्थिति पैदा हुई, लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अन्य विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारी युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं। इस तहसील में हम लोगों ने बाढ़ बचाव के लिए पहले ही 11 करोड़ रुपए की उन परियोजनाओं को पूरा किया है, जिसने तटबंधों को बचाने में तो मदद की, लेकिन अभी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग अभी से इसका अवलोकन करेगा कि भविष्य के लिए क्या कार्य योजना इसमें बनाई जा सकती है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रूप से इन सभी कार्यों में राहत दी जा सके। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की जाएगी कि
कि आने वाले समय में नदियों की ड्रेजिंग के माध्यम से चैनलाइज करना, नदियों की गहराई करना, जिससे नदी अपने सामान्य जो उसका राह है उसी के साथ वह आगे बढ़ सके। और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी जगह जो कार्य किए उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बचाव राहत के सभी कार्य प्रारंभ करने होंगे। बाढ़ के बाद भी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोरोना महामारी के दौरान जैसे निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा कार्य किया, घर घर स्क्रीनिंग जाके करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को जिसको बुखार है या कोई भी ऐसी पीड़ा है उस व्यक्ति को तत्काल टेस्ट कराना, कोरोना पॉजिटिव को हॉस्पिटल ले जाना या होम आइसोलेशन में ले जाने की व्यवस्था करना, ये सभी कार्य किए गए थे। ऐसे ही हमें बाढ़ के बाद जो पानी जैसे कम होगा उस समय सावधानी बरतनी पड़ेगी, और इसके लिए आज से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, नगर विकास और अन्य सभी संबंधित विभाग मिलकर के कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें स्वच्छता को